This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, welcome back to our channel Finvest. उम्मीद है आप सभी के trading days अच्छे जा रहे होंगे, नहीं जा रहे होंगे तो आप इस video को देखिए आपके trading days अच्छे जाने लगेंगे. Morning में मैं दो calls telegram channel पे provide करता हूँ, तो description में आपको link मिल जाएगा telegram channel का, आप join हो जाइएगा. फोर्थ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए मैंने आपके लिए जो दो स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे यूट्यूब में एक था ल्यूपिन और एक दूसरा था एच ई जी तो हेज में इसे कहता हूँ बाकी ल्यूपिन में हमारा बाई साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव हो गए थे इजीली हेज में हमारा जो है बाई साइड के तीन टारगेट प्राइस ईजीली अचीव हो गए थे बट शॉर्ट सेलिंग साइड का हमारा एसेल हिट हो गया था इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं थी इसलिए इन दोनों स्टॉक को मैंने नॉर्मली रखा है बाकी की मास्टेक कि मैं बात करूँ तो इसमें हमारा जो था बाय साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव हुए और ये जो हमारा आखिरी स्टॉक था ये जो टेलीग्राम चैनल पे हमने प्रोवाइड किया था इसमें हमारी ट्रेड नहीं हो पाई क्यों नहीं हो पाई कि ये जो स्टॉक था हमारे जो बाइंग प्राइस था इससे ऊपर खुला उसके बाद उसने गैप रिफिल नहीं किया और सीधा ऊपर गया तो आइए चेक कर लेते हैं मास्टेक की मैं बात करूं तो मैंने आपको मॉर्निंग में ये दिया था स्टॉक देखिए यहां पे इसने अपना गैप रिफिल करके देखिए सब सबसे पहले तो ये यहां पे ओपन हुआ उसके बाद देखिए हमारी जो बाइंग प्राइस थी वो इस लाइन में थी तो ये जो हमारी बाइंग प्राइस थी उसके नीचे इसने एक मिनट का होल्ड ले देखिए दो कैनलिस्टिक इसके नीचे, नीचे बनाई एक मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे उसके बाद ये जो है ऊपर बढ़ गया ऊपर बढ़ने के बाद इसने हमारे सारे टारगेट प्राइस इजीली अचीव कर लिए थे तो ये स्टॉक में ये कन्फ्यूजन थी काफी लोगों को इसमें कैसे हुआ तो अगर स्टॉक देखें मान लीजिए ये हमारी बाइंग प्राइस की लाइन है और ये हमारी शॉर्ट सेलिंग की लाइन है तो अगर स्टॉक जो है गैप अप ओपन होता है यानी कि यहाँ पे कहीं पे ओपन हो पाता होता है तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे उसका 10 ए एम तक 10 या फिर 11 11 भी कर सकते हैं अगर स्टॉक बड़ा है छोटा स्टॉक है तो खाली 10 ए एम तक और बड़ा स्टॉक हो तो 11 जैसे ये मास्टैक हो गया थाउजेंड से अबव अब के स्टॉक यानी कि नाइन हंड्रेड से लेकर थाउजेंड से अबव अब के स्टॉक आप ग्यारह बजे तक उसका वेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें वॉलीटिलिटी रहती है बट अगर छोटा स्टॉक इन इस प्राइस से छोटा स्टॉक तो आपको दस बजे तक ही वेट करना है इसके गैप रिफ़िल होने का गैप रिफिल कैसे होगा ये जो स्टॉक है गैप अप ओपन उनके बाद डाउन आएगा एक मिनट का होल्ड लेगा देखिए जैसे कि ये मैंने दि, दिखाया है आपको दो टा कैंडल डिस्टिक इसने हमारे बाइंग प्राइस के नीचे फिर बाइंग प्राइस की लाइन में बनाया है तो वही एक मिनट का होल्ड उसने लिया उसके बाद दोबारा से बढ़ गया जैसे कि यहाँ पे बढ़ा वैसे ही आप उसे बाय कर लेंगे सेम कंडीशन आपकी अप्लाई होती है शॉर्ट सेलिंग के लिए जब शॉर्ट सेलिंग की बारी होगी और स्टॉक गैप डाउन ओपन होगा तो आप वेट करेंगे टेन ए एम तक उसके गैप रिफिल होने का अगर बड़ा स्टॉक है तो इलेवन ए एम तक ग्यारह बजे तक आप वेट कर सकते हैं वो एक मिनट का होल्ड लेंगे फिर दोबारा से जब नीचे जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे ये कंडीशन है गैप अप ओपन होने के बाद बाय के लिए और गैप डाउन ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए बाकी ऐसी कोई खास कंडीशंस नहीं है तो चलिए हम बढ़ते हैं फाइव जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की कॉल्स की तरफ पहला हमने जो आपके लिए शेयर चुना है वो है टिम किन का जिसे आप बाय करके चलेंगे वन थ्री वन एट पे यानी कि वन थ्री वन एट पॉइंट वन जीरो पे स्टॉपलेस रहेगा वन थ्री ज़ीरो सिक्स का टारगेट रहेगा वन थ्री टू फोर वन थ्री थ्री फोर और वन थ्री फोर एट का ध्यान रखेंगे कि पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल रहेगा ताकि अगर स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए गलती से स्टॉक मूवमेंट ना दे पाए तो भी आपका पहला टारगेट प्राइस अचीव हो इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल देता हूँ तो आप इसीलिए आपका पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल रहेगा और एक और चीज मैं आपको बता दूं लेवल जो है बाई साइड का वो ब्रेकआउट होगा यानी कि एग्जैक्ट वन थ्री वन एट पर आप बाय नहीं करेंगे वन थ्री वन एट पॉइंट वन जीरो यानी कि वन थ्री वन एट से जब ऊपर जाने लगे वाली तब आप इसे बाय करेंगे शॉर्ट सेलिंग का आपका लेवल रहेगा वन थ्री जीरो फोर का स्टॉप लॉस रहेगा वन थ्री वन सिक्स का टारगेट रहेगा वन टू नाइन नाइन वन टू एट नाइन और वन टू सेवन एट ध्यान रखेंगे शॉर्ट सेलिंग का लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा वन थ्री जीरो थ्री पॉइंट नाइन जीरो जब हो जाएगा यानी कि वन थ्री जीरो फोर से नीचे आ जाएगी वैल्यू तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे पहला टारगेट प्राइस एज यूजल स्मॉल रहेगा बाकी बात कर लेते हैं अगला स्टॉक हमने आपके लिए चुना है वो आरती इंडस्ट्रीज़ आरती इंडस्ट्रीज से बताने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपको 500 के रेंज में स्टॉक चाहिए अच्छे जिनमें मूवमेंट अच्छी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सए नंबर मिलेगा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मॉर्निंग में मैं अलग से स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ फाइव की रेंज में अगर आप चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको यहाँ पर भी हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए बाकी की डिटेल हम व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे तो आड़ती इंडस्ट्रीज में आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा वन टू एट एट का स्टॉप लॉस रहेगा वन टू सेवन एट का अब जैसे स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा मान लीजिए ट्रेड में गए नहीं दे पा रहा है स्टॉक मूवमेंट बाय की साइड नहीं जा पाया टारगेट की तरफ नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस कैसे हिट मानेंगे जब वन टू सेवन से एट से नीचे आ जाएगी वैल्यू यानी कि वन टू सेवन सेवन पॉइंट नाइन जीरो इसमें हो जाएगी तब आप इसे जो है अपना एस एल हट मान के ट्रेड से भराएंगे उससे पहले नहीं आएंगे एक्जैक्ट वन टू सेवन एट पर आप अपना एस एल नहीं मानेंगे वहीं शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा वन टू सेवन सेवन पर आप स्टॉप लॉस जो है लगाएंगे वन टू एट सेवन का टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे गलती से वन टू सेवन सेवन लिख दिया था तो यहाँ पे वन टू सेवन टू का आपका पहला टारगेट प्राइस रहेगा दूसरा रहेगा वन टू सेवन सिक्स फोर का और तीसरा रहेगा आपका वन टू फाइव फाइव का ध्यान रखेंगे बाय शॉर्ट सेलिंग सा साइड का जो स्टॉप लॉस है वो कैसे हिट होगा जब वन टू सेवन एट सॉरी वन टू एट सेवन से ऊपर जाने लगेगी वैल्यू तब अपना ऐसे रेट मार्केट रेड से बाहर आएंगे बाकी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ आपको हमारा व्हाट्सअप का नंबर डिस्पेले डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा प्लस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए 500 की रेंज में अगर आप स्टॉक चाहते हैं मॉर्निंग में मैं स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूं तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ